तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं सी सेट के नेक्स्ट सेशंस में, जो हमारे हम कंटिन्यूस इसको कर रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो 31 जो क्वेश्चन देखने के लिए आया है, क्वेश्चन नंबर 31, और 31 क्वेश्चंस रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मतलब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस टॉपिक से पूरा रिलेटेड। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूपीएससी आपको कुछ क्वेश्चन बहुत इजी देता है, तो ये क्वेश्चन डिस्टेंस डायरेक्शन यदि मान लीजिए कभी भी आ भी जाए तो ये तो सबसे इजी टॉपिक है और ये बन भी जाता है। चलिए, उन्होंने कहा क्या है हम उसको पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अ मैन वॉक डाउन द बैक साइड्स ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर्स। मैं हिंदी में बता देता हूँ, मेरे पास दोनों मीडियम में है क्योंकि पेपर प्रिंट आउट है। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। देखिए, यहाँ पे आपको कहानी समझ में ना आई हो कि कैसे वो चल रहा हो, तो देखिए हम ये मान लेते हैं उसका हाउस है। अब हमें नहीं पता है कि हम मान लेते हैं, चलिए ये फ्रंट है, किधर भी आप फ्रंट ले सकते हो, आप इधर भी फ्रंट ले। आपने आपको एक बार आपको फ्रंट आपने इधर लिया तो बैक आपको इधर लेना पड़ेगा, फ्रंट इधर ले रहा हूँ तो बैक इधर लेना पड़ेगा, तो मैं फ्रंट इधर ले लेता हूँ। मैंने ये समझा कि ये फ्रंट है। तो उन्होंने कहा है कि वे व्यक्ति अपने घर के पीछे 25 मीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ से वे 25 मीटर चलता है। ये मैं जो लिख रहा हूँ ये क्या क्लियर है, क्योंकि शायद मार्कर पॉइंटेड है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक बार बड़ा कर देता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन में जो दिया है, एक उसका हाउस है और यदि ये उसका फ्रंट है घर का, तो यहाँ से 25 मीटर घर के पीछे की तरफ चलता है, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। फिर वह यहाँ से राइट टर्न लेता है और 50 मीटर चलता है। अब देखिए क्या होता है, डिस्टेंट टॉपिक है डिस्टेंट डायरेक्शंस। डिस्टेंट डायरेक्शंस में आपको बता देता हूँ कि मैन मैन चीज़ें क्या होती है। यदि आप ऊपर से देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको सिम्बॉल बता देता हूँ। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो यदि आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप साउथ की तरफ जा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो आपका हैंड होता है वो कौन सा हैंड होता है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। और आप यदि ऊपर की ओर जा रहे हो यानी नॉर्थ की ओर जा रहे हो तो ये राइट हैंड होता है या लेफ्ट हैंड होता है। आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, पूर्वी की तरफ जा रहे हो, तो ये आपका एल होता है और ये आपका आर होता है। और आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो ये आपका एल होता है, ये आपका राइट होता है। सबसे पहले इसमें आपको क्लियर होना चाहिए, और अल्टरनेट में सारे देख लिए, एल आर एल आर एल आर, ये सारे अल्टरनेट में है। तो देखिए अब वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने यही डायरेक्शन सपोज किया है, तो ये डायरेक्शन ईस्ट कहला रहा है। और ईस्ट में वो राइट टर्न लेके 50 मीटर चलता है, तो राइट टर्न लेके 50 मीटर चलेगा तो किस तरफ में आएगा आप बताइए, यहाँ पे आएगा। तो इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, यदि आपने 25 इतना माना है तो आपको 50 इससे इससे डबल ही मानना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसका सेंस होता है, ये 25 मीटर है 50 मीटर है। आगे दिया है, अब वे यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और लेफ्ट टर्न लेकर वे 25 मीटर चलता है। अब देखिए, अब वे नीचे की ओर यहाँ पर है और यहाँ से वे लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 25 मीटर की तरफ चल रहा है। तो जब वो नीचे की तरफ आता है यानी साउथ में आता है, तो लेफ्ट टर्न इधर कहलाता है और यहाँ से वह 25 मीटर चलता है। फिर दिया है, यदि मैं इंग्लिश में इसको पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार, अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद में ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर, ठीक है। इफ़ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, अब वे ये कह रहे हैं, यदि आखिरी में लाइन दे दी हमने तो स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने ये कह दिया है यदि उसके जो हाउस का फेसेस है वो ईस्ट में है तो वॉट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हिंदी में बात करूँ ये कह रहे हैं, यदि उसके घर का मुँह यानी उसके घर का जो चेहरा है फैस है वो पूर्वी की ओर है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए दूरी नहीं पूछी, डिस्टेंस नहीं पूछी उसने, उन्होंने क्या पूछा है हमसे, डायरेक्शंस पूछा है। तो डायरेक्शंस पूछा है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें दो तरह से हम कर सकते हैं, यदि हमने यही माना है तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, और आपको लग रहा होगा नहीं सर इसको फिर से बनाइए और फिर से ना इसका ईस्ट फैस रखिए और फिर आप इधर चलाइए, तो आंसर उसमें भी हमारा सही आएगा, गलत नहीं आएगा। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले हमें ये
यहाँ पे बताना है। देखिए आप यहीं पे प्लस साइन एक मान लेंगे, यहाँ पे प्लस साइन आपने सपोज कर लिया, और मान के चलते हैं कि यदि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसका घर वेस्ट के फेस होता हो, क्योंकि हमारे हमने जो ड्रॉ करा है उसमें वेस्ट फेस है, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होता। देखिए आपको ये वाली लाइन को देखना होगा, यानी कि ये जो होता है, ये जो होता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो आप इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता ईस्ट एंड साउथ। यदि उसका घर पूर्व की तरफ, यदि उसका घर पश्चिम की तरफ होता तो। चलिए अब पहले तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको जैसे उन्होंने कहा था वैसा मैं बना देता हूँ, लेकिन हम वैसा भी करके देख लेंगे कि यदि हमने ऐसे ड्रॉ करा है तो बिना बनाए हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इसका घर हमने यहाँ पे बना दिया ईस्ट फेस में, उन्होंने कहा है बैक वो चला 25 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, उन्होंने कहा था कि यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न लेता है, तो यहाँ से राइट टर्न लेगा वो कहाँ पे, इस तरफ, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा था कि अब वे लेफ्ट टर्न लेता है, तो लेफ्ट टर्न लेगा तो किस तरफ जाएगा, और हमें बताना है यहाँ से डायरेक्शन, हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वे किस दिशा, कितनी दूर किस दिशा में। तो देखिए ये आ रहा है आपका क्या होता है नॉर्थ, और ये आता है साउथ, तो आंसर आपका क्या आएगा इंग्लिश में नॉर्थ साउथ, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी नॉर्थ और ये वेस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है, साउथ नहीं है, साउथ नीचे होता है, तो क्या हो सकता आएगा हिंदी में आंसर उत्तर और पश्चिम। लेकिन अब मैं आपको ये आंसर तो आपका राइट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो आपका राइट है, लेकिन हमने ऐसा कर दिया था तो ऐसे करने पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा और कैसा होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपके, आपने इस चीज़ को जस्ट अपोजिट करना है, यानी कि क्या है ना कि आपने घर यहाँ पे माना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन उनका घर यहाँ पे, तो आपने इसको अपोजिट करा है और इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका यहाँ पे आ रहा था, तो इसका अपोजिट क्या होगा आप उतना ही शिफ्ट कर दो, यानी कि ये पूरा रिवर्स शिफ्ट हुआ तो ये पूरा रिवर्स शिफ्ट होगा, और देखने में लग भी रहा है देखिए ये इधर शिफ्ट हुआ इधर शिफ्ट हुआ, तो हमारा आंसर यहाँ से भी आ सकता था नॉर्थ और वेस्ट। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि वो डायरेक्शंस के साथ में आपसे डिस्टेंस भी पूछते हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। तो यहाँ पे ओनली उन्होंने डायरेक्शंस की बात करी, डिस्टेंस की बात नहीं करी है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे जो बात की गई है, ठीक है, ये कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है, या तो इन्होंने कहा है दो स्टेटमेंट दिए हैं भैया, स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट ये कहता है, मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ, ऑल नंबर्स आर डी, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में ये कहा है ऑल नंबर्स जो हैं डिविजिबल बाय टू है, मतलब डिवाइड होता है सारे नंबर जो है दो से विभाजित हो जाते हैं, और एक और स्टेटमेंट है ऑल नंबर डिविजिबल बाय थ्री हो जाते हैं, और एक और स्टेटमेंट है सभी नंबर तीन से डिवाइडेड है। आगे कहते हैं कि ये यदि स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन ये है, और कंक्लूजन फर्स्ट ये, कंक्लूजन फर्स्ट में ये दिया है उन्होंने, क्या सभी नंबर डिवाइड, मतलब ऑल नंबर्स सिक्स से डिवाइडेड, मैं पूरा स्टेटमेंट को इस तरह से लिख रहा हूं, और एक और कंक्लूजन है ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय फोर, ठीक है। आगे कहते हैं विच ऑफ द एबव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट, और ऑप्शंस आपके ये हैं, पहला वाला है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होता है ओनली, ये ओनली सेकंड है, और थर्ड है ना तो फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा, और ये
फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होंगे। देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कैसा है, क्वेश्चंस क्या है, ऐसे क्वेश्चन जनरली बैंकिंग में पूछे जाते हैं लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने पूछे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, कंक्लूजन में ये है, आपको ये बताना है क्या ये दोनों कंक्लूजन आपके स्टेटमेंट में फिट बैठते हैं क्या, क्या यह सिंगल ही फिट बैठता है या ये अलोन जो सेकेंड है वो अकेला फिट बैठता है या फिर दोनों ही नहीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होते हैं। तो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले किस टॉपिक से रिलेट करता है वो मैं बता देता हूँ, ये नंबर सिस्टम्स है क्योंकि उन्होंने डिविजिबिलिटी रूल पे बात करी है। तो डिविजिबिलिटी जो रूल होता है ये आपको पता होगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सारी संख्याएं इवन होनी चाहिए। 3 का रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन वो जो नंबर्स होगा वो भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम जब 6 की रूल की तरफ जाते हैं तो 6 का रूल ये कहता है कि जो संख्या 2 के रूल को फॉलो कर ले और 3 के रूल को फॉलो कर ले तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाती है। जो संख्या 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी, दोनों से डिवाइड हो जाती है, वो 6 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पहला वाला स्टेटमेंट होगा ये दोनों से मिलके हमारा हो रहा है, यानी पहला वाला जो कंक्लूजन है वो हमारा फिट बैठता है, वो फॉलो हो जाता है। लेकिन कंक्लूजन जो 2 है वो दोनों स्टेटमेंट उसका कोई सेंस ही नहीं है। देखिए कंक्लूजन 2 तो कह रहा है कि ऑल नंबर क्या सभी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे, इसका थोड़ा सा मैं कोई वैल्यू लेके समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि क्या है, ये 2, 1 और 3 है, कोई नंबर है तो आप ये देख लीजिए क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 का रूल तो लग जाएगा पर 2 का रूल नहीं लगेगा। लेकिन क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो अब आप बोल देंगे कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये नंबर क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 4 से डिवाइड ये नंबर हो तो सकता है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, दो नंबर जो हैं वो डिविजिबिलिटी रूल अकॉर्डिंग टू 4 कि आपके डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नंबर हुआ जैसे कि क्या होता है, हो ये वाला नंबर भी आपके 6 से डिवाइड हो जाता है, ये 2 और 3 दोनों से फॉलो हो रहा है लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट ही फॉलो होगा, सेकंड का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है चांस, क्योंकि भाई 4 का रूल अलग है। 4 में देखिए क्या होता है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तो 2 और 3 का कोई सेंस नहीं बैठता वहाँ पे, सिर्फ 4 के लिए एक अलग कहानी होती है। 4 के लिए क्या होती है, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना, वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है पर 3 से तो डिवाइड नहीं होगा ना, इसलिए 4 का यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ आपका ये वाला फॉलो होगा। तो ये वाला फॉलो होगा तो ऑप्शंस में क्या होंगे, ऑप्शंस में ये नहीं होंगे, ऑप्शन में इस टाइप से होगा कि फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो ये वाला होगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। और ये जो 33 है, अभी बैक टू बैक सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। और रीजनिंग में किस टॉपिक का क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ, सिलोजिज्म। और सबसे बड़ी बात है इसको एक और नाम से जानते हैं कुछ लोग, वेन डायग्राम। देखिए स्लॉक्स जो होता है इसको शॉर्ट में स्लॉक्स भी बोलते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन स्लॉक्स सबसे टफ लेवल का, सबसे हाई लेवल का जो आता है वो बैंक में आता है। तो मेरे पास एक मेथड ऐसा भी है कि आप इसमें जैसे कि वेन डायग्राम से क्यों बोलते हैं इसको, एक देखो ये दो नाम है, वेन डायग्राम से इसलिए बोल लेते हैं लोग क्योंकि इसको जनरली 95% लोग इस टॉपिक को वेन से बनाते हैं। जैसे ऑल एप्पल्स आर मैंगो, तो ये एप्पल हो गया, इस पर मैंगो ऐसा कर दिया, फिर सम मैंगोज आर बनानास, तो इस तरह से कर दिया, तो ऐसे बनाते हैं तो ये वेन के थ्रू लगता है, और वेन के थ्रू लगता है तो इसको नाम एक और पड़ गया वेन डायग्राम, जबकि ये स्लॉक्स है और 95% लोग इसको इसी से करते हैं। लेकिन जब आप बैंक में जाते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, तो उसमें भी मैक्सिमम लोग इसी से करते हैं, लेकिन इसका एक और मेथड है, और वो मेथड ऐसा है कि जिसमें आपको स्लॉक्स वैन बनाना ही नहीं पड़ता है, बिना पेन के आप जा सकते हो स्टेटमेंट को देख के, कंक्लूजन को देख के। लेकिन वहाँ पे होता है क्या है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी रूल आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन हमसे किया है ये तो बहुत इजी है, ये दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो बैंक में कभी आते ही नहीं है, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये पीएससी में दिए हैं क्योंकि पीएससी में स्लॉक्स का इतना यूज़ नहीं होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
तो उन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, तो मैं ना आपको नॉर्मली जो मेथड है जो आप समझ सकते हो इजी मेथड है उसी से बताऊंगा, जिसका नाम वेन डायग्राम है। हालांकि एक और अल्टरनेटिव मेथड है, बहुत इजी मेथड है, पर वो समझने इतना जल्दी नहीं आता है। चलिए पहले तो मैं बताता हूँ मेरा जो मेथड है, मेरा मेथड है बिना वेन डायग्राम। तो उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे ऑल कैट्स आर डॉग्स। मैंने शॉर्ट्स में लिखा है ये, क्योंकि जब हम शॉर्ट में करते हैं तो इस तरह से प्रैक्टिस ही करते हैं। और ऑल कैट्स आर ब्लैक। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका वेन डायग्राम से भी सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों ने यदि पढ़ रखा होगा ये वाला मेथड तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये स्टेटमेंट है और कंक्लूजन दिए हुए हैं हमें, कंक्लूजन दिए हुए हैं यहाँ से, दो कंक्लूजन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला कंक्लूजन ये कहता है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, और दूसरा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। चलिए देखिए क्या होता है कि मैंने ओनली कैप्स में नाम क्यों लिख दिया, क्योंकि सी से यहाँ पे सी लेटर से एक ही वर्ड था इसलिए मैंने सी लिख दिया, डी से भी एक ही वर्ड था तो लिख दिया। दो वर्ड्स होते तो मैं थोड़ा एक दो एक लेटर और लिख के अलग उसको रिप्रेजेंट कर देता है ना, तो कैट को पूरा ना लिख के शॉर्ट में भी लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। यहाँ पे शब्दों पे मत जाइएगा, जैसे शब्दों में तो क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं और सभी बिल्लियाँ काली हैं, तो इस हिसाब से कुत्ते भी सभी काले हो जाने चाहिए, तो शब्दों पे मत जाइएगा, शब्दों से कोई लेना देना इसका नहीं है। अब हम आते हैं मेरी मेथड के अकॉर्डिंग। तो वो मेथड ये कहता है कि जब दो ऑल वाले सॉल्यूशन जब आप करते हो, है ना, तो उससे क्या होता है कि यदि ये ना सब्जेक्ट कॉमन हो जाता है, सब्जेक्ट दोनों प्लेसेस के, तो वहाँ पे ऑल नहीं निकल के आता है, कभी दो ऑल वालों से ऑल निकल कर आता है, लेकिन कॉमन वर्ड्स डायगोनल प्लेस में होना चाहिए। यानी कि ये सी यहाँ पर होता तो आप ये कह सकते थे कि ऑल डी आर बी या ऑल बी आर डी में से कुछ होता हो, पर क्या होता वो अलग कहानी होती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूँ तो कंक्लूजन सिर्फ यही कंक्लूजन आ सकता था जो होता है दोनों के ऑपरेशन से, वो ये आता कि सम डी आर बी एंड दूसरा होता सम बी आर डी। और इसके अलावा और क्या कंक्लूजन हो सकते थे, उसके अलावा इस सिंगल सेंटेंस के दो होते सम सी आर डी एंड सम सी डी सम डी आर सी, और एक और होता सम सी आर बी और सम बी आर सी। अच्छा, दो ऑल वाले से कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि ऑल वाले जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। स्लॉक्स का मैं डिफरेंट मेथड की बात कर रहा हूँ, आप लोग को शायद ना आएगा समझ में, मैं वैन से बताऊंगा, लेकिन दो ऑल वालों से नेगेटिव वाला सेंटेंस कभी नहीं आता है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसको हम ओ नाम से बोलते हैं। ये ऑल ये ए होता है, मेरी मेथड में क्या होता है ए ई आई ओ वाले मेथड से हम पढ़ते हैं, जिसमें क्रॉस करते हुए हम उसको बढ़ते हैं आगे शिफ्ट करते हुए। तो अकॉर्डिंग टू, अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने क्या बता दिया, दोनों फॉलो नहीं है, तो अब ऑप्शन में आपके पास में ऐसा होगा सिंगल फॉलो हो रहा है क्या कंक्लूजन, सेकंड फॉलो हो रहा है, या दोनों फॉलो हो रहे हैं, या तो दोनों फॉलो नहीं हो रहे। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा, जिसका ऑप्शन होगा लास्ट वाला, जिस लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है बॉथ कंक्लूजन नहीं सी वाला, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड, तो दोनों फॉलो नहीं होगी, ये हम देख चुके हैं। तो ये मैथड एक अलग है जो शायद बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ, वेन मेथड से। तो स्टेटमेंट को लिखा रहने देते हैं, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट देखिए, एक ये हिंदी मीडियम वाले भी जो होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसको बता देता हूँ कैसा होता है उसमें। ऑल डॉग्स आर, ये एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, कंक्लूजन मिटा चुका था, सम डॉग्स आर नॉट, ये सब लोग को दिख रहा है, राइटिंग दिख रही है, समझ में आ रही है आप लोग को, राइटिंग दिख रही है, वर्ड्स दिख रहे हैं क्या, यस और नो। चलिए पहले तो देखिए हम सी बनाएंगे, कैट से बनाएंगे। देखिए आप लोग ऑल सी आर डी लिखा हुआ है, तो मैं उसका डायग्राम बनाने के लिए जा रहा हूं। तो पहले मैंने सी लिखा और यहां पे सी सी मतलब सभी कैट बता रहे हैं ये सिंबल, और सभी सी डी है, तो इसके ऊपर एक और सर्कल ले लेंगे जो क्या बता रहे हैं कि सभी सी डी हैं। ये पहले वाले सेंटेंस को मैंने कंप्लीट किया है, पहले वाले स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि सभी सी बी भी हैं, तो देखिए इसमें पॉसिबिलिटी निकल के आ जाती है। तो देखिए यदि ऐसा भी हुआ, एक और मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यदि ऐसा भी होता, ये सी है और ये बी है, ये डी है, ये पहला वाला सेंटेंस दोनों जगह कंप्लीट कर दिया है मैंने,
लेकिन ये जो सेकंड सेंटेंस है ना, ये देखिए सभी सी या तो बी है तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर सभी सी बी है तो इतना भी हो सकता है। यानी कि क्या होता कि अब हमें कंक्लूजन की बात करूं तो ऑल डी आर बी, ये कहते हैं कि सभी डी बी है। तो देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिलता है पर वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि कोई कुछ बात निकल कर आती है तो हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये कन्फर्म फॉलो होगा, ठीक है ना। तो ये फॉलो तो नहीं हो रहा है आपका। लेकिन दूसरी में बात करूं कि सम डी आर नॉट बी, ये कहते हैं कि कुछ डी बी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो सभी डी बी हैं लेकिन यहाँ पे सभी डी बी नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग डिफरेंट है, तो मैं क्लियरिटी है कन्फर्म के थ्रू नहीं कह सकता हूँ कि ये भी फॉलो हो रहा है। तो देखिए वेन डायग्राम में इस चीज़ से ऐसे क्लियर की जाती है ये वाली चीज़ें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या किया है वहाँ पे, और मैंने पॉसिबिलिटी समझ के बताया है। फिर क्या होता है कि इसमें पॉसिबिलिटी रूल भी होते हैं ए ई आई ओ, तो जो इतना डेप्थ में होता है सिलॉक्स में, तो शायद आपको सिलॉक्स में इतना डेप्थ में नहीं जाना है। पीएससी ने बहुत छोटी सी बात करी है सिलॉक्स को लेकर, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस करें और इतने सिंपल क्वेश्चन है कि आप इसको वैन से ही समझें, ज़्यादा इसका डेप्थ में नहीं जाना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है 34। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, नंबर्स पर बेस्ड है, ठीक है। और इन्होंने बात की हुई है क्वेश्चन नंबर 34, एक नंबर दिया हुआ है उन्होंने 5 7 3 9 4 7 3 9 8 5 7 2 6 3 1 5 फिर 8 6 3 8 5 2 2 4 3 4 9 6। क्या कहता है आप लोगों ने तो पढ़ी लिया होगा, जिनके पास पेपर है क्वेश्चंस ने ये कहा है कि ये यदि ऐसे इतने नंबर एक इतने सारे सीक्वेंस में, तो हाउ मेनी ओड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ओड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। ये कहते हैं कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ऐसे कितनी संख्याएं निकल कर आएंगी, है ना, अनुक्रम में, इस अनुक्रम में कि विषम के बाद फिर विषम हो, मतलब विषम के बाद फिर विषम संख्या बन रही हो, ऐसे कितने नंबर्स निकल कर आ पाएंगे। तो बहुत इजी है ये देखना, तो यूपीएससी ने देखिए कितना इजी बात कर लिया आपसे, इतने सारे टफ क्वेश्चनों में एक इजी क्वेश्चन रख दिया। तो क्या होगा इसका आंसर, बहुत इजी है, क्या बताना है, उन्होंने पूछा है ओड के बाद में फिर ओड नंबर कहाँ पर है, मतलब विषम के बाद फिर विषम हो। तो देखिए एक विषम है लेकिन इसके बाद विषम नहीं है, यहाँ पर एक पैर बनता है, एक पैर ये बनता है 7 3 और 3 के बाद एक 9, ठीक है, हाँ वेरी गुड। इसको तो छोड़ ी दिया मैंने, पहला वाला 5 1 भी तो रहेगा भाई, पहला वाला 5 1 भी तो रहेगा, ये भी विषम है, ये भी विषम है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 7 आ रहा है, फिर 5 7 के बाद में आपका ये 3 1 आ रहा है, 3 1 के बाद में 1 5 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे विषम है पर ये इवन है, यहाँ पे इवन ऑड है, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे तो नीचे कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मैं भाई नीचे कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है, हालांकि नंबर है ना इसके बाद में थे कंटिन्यूस में, तो मैंने इधर लिख दिए और क्वेश्चन बुक में भी उन्होंने इस तरह से लिख दिए थे। तो इतने पेयर्स बन रहे हैं तो काउंट कर लीजिए भाई कितने हो रहे हो, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन्होंने ऑप्शन में हमें दे रखे थे, ऑप्शन थे इनके 5, पहला ऑप्शन था 5, दूसरा ऑप्शन था 6, तीसरा ऑप्शन था यहाँ पे इनका 7 एंड डी ऑप्शन था 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन इन्होंने कर लिया था यूपीएससी ने ना, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाए होंगे, कुछ लोग ऐसा होता है कि चीज़ों को समझ नहीं पाते वर्ड्स पढ़ने में, कि हिंदी में लिखा उन्होंने अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है, ये तो पढ़ने में तो इजी लग रहा है, पढ़ भी सकते हैं कर भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 35 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन नंबर 35 में रैंकिंग एंड नंबर सिस्टम। तो एक बात तो ये, जब आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की तो आप रीजनिंग के टॉपिक सेलेक्ट कर लो, कितने टॉपिक करना है और कितने टॉपिक से पूछते हैं वो, है ना, सिमिलर आप मैथ्स में भी कर सकते हो। रैंकिंग एंड नंबर सिस्टम का क्वेश्चन इन्होंने किया है, और रैंकिंग और नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो हर बार क्वेश्चन
एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, पूछता ही है। तो पूछा ये है उन्होंने, मैं इंग्लिश में बात पढ़ता हूँ क्वेश्चंस को। ए, कैपिटल ए, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज। चलिए, तो थोड़ा सा मुझे कुछ बताना होगा रैंकिंग एंड नंबर सिस्टम में। कोई एक लाइन है इस तरह की, तो उसमें क्या होता है कि आप जब इधर से कोई चीज़ को काउंट कर रहते हैं तो ये राइट साइड कहलाता है, और जब इधर से हम काउंट करते हैं तो वो लेफ्ट साइड कहलाता है। ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। यदि मैंने फॉर सपोज ये कुछ मैंने ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, और तो क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चंस पे तो हम चले जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ में एक छोटा सा आपको इस टॉपिक की एक बात में बता देता हूँ जो आपको क्लियर कर देगी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो नंबरिंग है ये लेफ्ट साइड की नंबरिंग कहलाएगी, और राइट साइड की जो नंबरिंग होगी वो इस तरफ से कहलाएगी। ठीक है, अब फॉर सपोज मैंने किसी पर्संस को, या मैंने कोई जो भी है एक पर्संस को मैंने यहाँ पे सेटिंग करी है, तो होगा क्या, इसकी सेटिंग क्या कहलाएगी, ए जो है फोर्थ साइड, मतलब फोर्थ प्लेस पे लेकिन लेफ्ट साइड से। ये किसकी वॉइस आ रही है, थोड़ा सा भाई साइलेंट करो अपने वॉइस को, ऑडियो को। और जो ए जो है एट प्लेस पे होगा राइट साइड से। ये बात क्लियर है, क्लियर है ये बात। जब हमसे देखिए, हमें देखने को लग रहा है कि टोटल 11 है, हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है कि टोटल वहाँ पे रो में टोटल बॉयज 11 है, ठीक है, लेकिन हमें कोई ये कह दे कि एक ही पर्सन की लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन क्लियर हो, तो हम उसका टोटल बता सकते हैं। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको टोटल बताना होता है, तो एक पर्सन का राइट और लेफ्ट को ऐड करें, माइनस वन कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 + 8 को मैं ऐड कर देता हूँ, माइनस वन करता हूँ, तो आंसर 11 आ जाएगा, और जो दिख भी रहा है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें और मैं समझा दूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करता हूँ तो वहाँ पे आपको नहीं आएगी समझ में, तो इससे रिलेट कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जैसे कि एक पर्सन बी को मुझे बिठाना हो और मैं कहूँ कि बी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो देखिए अब जो बी है वो ए से कितना दूर है, 1, 2, 3, तो बी जो है ए से 3 कदम राइट की तरफ दूर है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो लेफ्ट चल रहा है, आप राइट कैसे बोल रहे हो। देखिए यहाँ पे जब कोई पर्सन बैठ जाएगा ना, सेटिंग कर लेगा, तब ये इधर की तरफ राइट कहलाएगा और इधर की तरफ लेफ्ट कहलाएगा। पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आपको, इसलिए मैं क्लियर कर दूँ। पर्सन यदि कोई ए यहाँ पे बैठ गया तो आप पर्सन के इधर की तरफ चलेंगे तो राइट, क्योंकि देखिए ना ये मेरा सीधा हाथ है तो भाई सीधा हाथ की तरफ जाएगा और ये लेफ्ट हैंड, लेकिन काउंटिंग कर रहे हैं तो देखिए काउंटिंग में जब मैं इसको देख रहा हूँ तो एक राइट हैंड का एंड है, एक लेफ्ट हैंड का एंड है, तो लेफ्ट हैंड से इधर की बात होती है और राइट हैंड की तरफ की बात होती है। लेकिन जब पर्सन बैठा है तो इधर की तरफ लेफ्ट चलेगा और इधर की तरफ राइट चलेगा। तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ कि बी जो है ए से 3 कदम राइट की तरफ है। ये बात क्लियर है, ऐसा हमें थोड़ा समझना होगा वहाँ पे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस ने क्या दिया है, उस डाटा को हम ले लेते हैं। तो हमें एक चीज़ ये गिवन पता चल गई कि किसी भी पर्संस की हमें लेफ्ट और राइट पोजिशंस पता हो रो में, तो हम क्या बता सकते हैं, टोटल बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई शॉप हो गई, जैसे कि ये दुकान है और दुकान पे मान लेते हैं यहाँ पे लाइन लगी है इस तरह से, और इस और एक यहाँ पे एंड है, इस तरह से लाइन लगी है, तो कोई यहाँ का टोटल बता दे और कोई यहाँ का टोटल बता दे, और ये वाला प्लस 2 बार काउंट हो रहा है, तो आप यहाँ तक का और यहाँ तक का टोटल करके इस प्लस में से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ तक के टोटल आपके पास में निकल आते हैं। ये इसका कंसेप्ट है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ये कहता है कि ए जो है, ए के बारे में उन्होंने गिवन दिया है, ये तो मैंने एग्जांपल बताया था तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ए 16 पोजीशंस पर है, और किस तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, ठीक है भाई। आगे बताया है कि वी जो है, वी फॉर वैन वाला, वो है 18 फ्रॉम राइट साइड से। यहाँ तक क्लियर है कि आप लोग को, भाई एक बार मुझे लाइव क्लासेस वाले एक बार बता दें कि वही मैंने डाटा लिखा है जो उन्होंने मुझे दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है क्या, क्लियर है आपको, सबको सबको क्लियर दिख रहा है। अब आगे वे कहते हैं जी फोर
कोई पर्सन होगा और जी जो है ये जो है 11th फ्रॉम ए टू वर्ड्स द राइट कहने का मतलब क्या है राइट हैंड यानी कि जी जो है ए से 11 स्थान दाएं तरफ है। तो मैं आपको बता चुका था कि यदि ए और बी को आपने कहीं प्लस करा होगा तो ए से किस तरफ काउंट करना है। एक बार मैं स्केलिंग मेथड वही होता है कि हम एक थोड़ा रफली ड्रॉ कर लेंगे और देख लेंगे क्या होगा। यहाँ पे पहले क्या क्या गिवन दे रखा है वो हम देख लेते हैं। उन्होंने जी के बारे में बताया और जी के बारे में एक चीज़ और बताई कि जी जो है ए से 11 प्लस है उसके राइट हैंड तरफ, लेकिन जी जो है थर्ड है फ्रॉम वी की तरफ से राइट हैंड तरफ। चलिए तो अब मैं इसको समझाता हूँ करना कैसा। हमने एक स्केलिंग ड्रॉ कर लिया है, एक स्केल बना लिया। स्केल सबको दिख रहा है लाइव क्लासेस में, एक बार बता दीजिए। ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड हो गया। तो पहले मैं करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले ए को बिठाता हूँ मैं। तो देखिए ये पूरा हमें ना 16 नहीं बनाना है, आप इतना बनाइए 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, ये 16। और 16 यहाँ पे है, इसका मतलब कौन है यहाँ पे, ए यहाँ पर है। मैंने तो फिर भी बड़ा बना दिया, एक दो के बाद ही 16 कर देना चाहिए था। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं वी की। तो वी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब हमें नहीं पता, देखिए इधर भी निकल सकता है, ये बात तो क्लियर है कि भाई वी ना 16 से इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है। तो मैं एक हिसाब से अपने अनुमान यहाँ पे बना देता हूँ और यहाँ पे कौन है, वी है। ये बात समझ में आई है आपको। अब है ना देखो, मैं पहले ही एक एग्जांपल में बता चुका था कि ए यदि यहाँ पे बैठा है तो राइट हैंड इधर होता है और लेफ्ट हैंड इधर होता है। ये लेफ्ट चलेगा इधर, इधर राइट चलेगा। और यहाँ पे जो जी है वो जी 11 प्लेसेस दूर है ए से राइट तरफ। तो जी कहाँ पर होगा, जी उधर होगा, है ना। ये बात तो क्लियर होगा कि जी 16 में आप और ऐड कर दीजिए 11, तो जी आपको कहाँ मिलेगा, 27th प्लेस पे। जी आपको मिलेगा 27th प्लेस पे। और यानी कि हम लेफ्ट से बात करेंगे जी की, तो जी हमें मिलेगा 27th प्लेस लेफ्ट साइड से। ये जी का कहानी क्लियर आ गई है, क्योंकि जी देखिए ए हमारा 16 है और जी उससे 11 कदम और आगे। तो लेफ्ट से टोटल की बात करूँ, तो टोटल की बात करूँ तो वो आपको 27 प्लस पर मिलेगा। अब एक और बात दी है कि जी जो है तीसरा स्थान है वी से राइट हैंड पे। कितना स्थान है, 3 स्थान राइट हैंड पे। तो देखिए जी इधर की तरफ है, किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो ये 18 है, तो 3 स्थान इसमें कम कर देंगे तो वहाँ पे कितना मिलेगा, यानी जी जो मिल गया हमें 15th मिल गया राइट साइड से। कितना मिल गया, 15 मिल गया हमें राइट साइड से। और मैं बता चुका हूं कि एक ही पर्सन, ये जी पर्सन का लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन से यदि क्लियर है तो हम टोटल निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन ने पूछा भी क्या हमसे, उसने यही पूछा है कि इस रो में टोटल कितने लोग हैं। तो आप क्या कर देंगे, एक जी पर्सन, क्योंकि देखिए ए के बारे में लेफ्ट पता था राइट नहीं पता था, वी के बारे में राइट पता है लेफ्ट नहीं पता, पर जी एक अकेला ऐसा है जिसका लेफ्ट और राइट दोनों पता चल गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 27 प्लस 15 माइनस 1 ये आपका 41 आंसर देता है। चेक करिए इसका आंसर क्या होगा, 41 होगा। क्लियर है, समझ में आया हमने कैसे किया। मैंने स्केलिंग मेथड से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया कि कैसे उसको करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब है 36। और 36 क्वेश्चंस क्या है, ये भी आपका डाटा सफिशिएंसी पे डिपेंड है। और क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, है ना। तो 10 से 10 क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है मैथ्स और रीजनिंग के काफ़ी इजी हैं, बन सकते हैं वो तो, है ना। लेकिन 10 क्वेश्चंस नहीं, हमें तो करने 35 हैं, 35 पॉट टाइम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन 36 ही कहता है, दो स्टेट यहाँ पे, तीन स्टेटमेंट है, सॉरी एक S1 है, एक S2 है और एक S3, तीन कंडीशंस है, S1 S2 और S3। S1 ये कहता है कि C इज यंगर देन D, C इज यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B।
बट ऑल्डर देन ए एंड बी, ठीक है। स्टेटमेंट टू कहता है डी इज द ओल्डेस्ट, डी इज द ओल्डेस्ट, एंड एस थ्री कहता है ए इज ओल्डर देन बी। ये तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। आगे कहते हैं हु अमंग ए बी सी डी, इन चारों में से क्वेश्चंस ने पूछा ए बी सी डी, हु अमंग ए बी सी डी इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने इस प्रकार से ए बी सी और डी। ए में बोला है कि एस वन सिंगल सफिशेंट है, और यहाँ पे एस वन प्लस एस टू की सफिशेंट सी पड़ रही है दोनों के साथ में, यहाँ पे एस टू प्लस एस थ्री सफिशेंट होंगे, और यहाँ पे एस वन प्लस एस थ्री, मतलब कि हमें ना इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है ये बताने के लिए कितने स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है ये हमें बताना है वहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट को लेते हैं, तो वो ये कहता है सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन बी एंड डी। इसका मतलब क्या है कि जो डी से छोटा है सी, लेकिन बड़ा है किस किन दोनों से, बी एंड ए एंड बी दोनों से, इन दोनों से बड़ा है। ये पहला वाला स्टेटमेंट का कहानी है। एस टू कहता है सबसे बड़ा डी है, ठीक है, ओके होगा सबसे बड़ा डी, हमें तो वैसे भी पता चल रहा है, इसी से पता चल गया था कि डी सबसे ही बड़ा है, क्योंकि सी जो है डी से छोटा है, बाकी दोनों खुद सी से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली हमें एस टू की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं रही है। एस वन ही ने ये क्लियर कर दिया था कि सबसे बड़ा डी है, देख लीजिए ना सी इज यंगर देन डी, सी डी से छोटा है और जो सी है वो दोनों से बड़ा है, तो इस हिसाब से तो कहानी स्टेटमेंट फर्स्ट ही कहता है कि डी सबसे बड़ा है, तो डी एस टू की तो कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं रही है। अब एस थ्री क्या कहता है, एस थ्री ये कहता है कि ए इज द ओल्डर देन, तो ए ने इन दोनों में भी क्लियरिफाई कर दिया कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे ये जो टेबल ये जो है ये और क्लियर हो जाती है कि ए इज ओल्डर देन बी, यानी कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो जाहिर सी बात है हमें सबसे छोटा कौन सा है इसकी यानी एस वन की भी नीड है और S3 की भी नीड है, क्योंकि S1 में हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे पर यहाँ तक क्लियर नहीं था कि A छोटा है कि B छोटा है, लेकिन जैसे हमने S3 को पढ़ा तो हम ये क्लियर पहुँच गए कि हाँ सबसे छोटा B है, तो हमारा आंसर क्या है S1 और S3, जो कि आंसर होगा D। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें S2 की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इस तरह से इसको जमाना था, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई ऐसी टफ वाली कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसको रैंकिंग में ऑर्डर पर इस तरह से इसको ऑर्डर करना था आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 ने क्या बोला है आपसे, 37 ने बोला हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। समझ भी नहीं आया होगा क्वेश्चंस क्या है, मैंने भी पढ़ दिया क्वेश्चंस क्या है, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा पर पता नहीं चल रहा है क्वेश्चंस क्या है। हिंदी में क्वेश्चन ये लिखा है, हिंदी वाली भाषा में, एक से 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। बहुत ईजी है, जिसने सॉल्यूशंस करा है ये पता नहीं प्रिंट आउट करा है पेपर को, वो पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पे। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि 1 से 100 के बीच में ऐसी संख्या कितनी होंगी जो 4 से डिवाइड होंगी, लेकिन हर संख्या में 4 होना चाहिए। तो देखिए एक तो ये 4 होती है, 14 होती है ना, एक होगा आपका 24, हर में 4 होना चाहिए, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94। 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन सी है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, बस ये आंसर है इसका, और क्या आंसर है। ये भी डिवाइड हो जाएगी, 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 ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन वहाँ पे उन्होंने 5 लिखा है पहला, दूसरा लिखा है 11, तीसरा लिखा है 12 एंड डी लिखा है 13। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर, 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पाया होगा, उन्होंने बोला एक अंक वहाँ पे 4 का होना चाहिए, ऐसी संख्या बतानी है 1 से 100 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और हमने देख लिया वहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 38 दिया हुआ है सेट ए में, सी सेट पेपर यूपीएससी के में, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लगता तो है ऐसा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, मैं पूरा यहाँ पर नहीं लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग
सेट ए का क्वेश्चन नंबर 38 जरा देखेंगे। कहता है लेट एक्स एंड वाई बी द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स हैं एम एंड बी द मासेस ऑफ टू मेटेलिक क्यूब पी एंड क्यू। ठीक है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्यूब्स का मतलब सबको पता है क्या होता है, घन। क्यूब का मतलब मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ। एक ये क्यूब है, दो क्यूब है वहां पे, एक क्यूब ये है, एक क्यूब का नाम है पी, इसका नाम है पी और इसका नाम है क्यू। एक का नाम है पी, एक का नाम क्यू है। और यहाँ पे जो फर्स्ट, अब मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है पहले वाले का x है एंड सेकेंड वाले का y है। मास की बात करूं मैं तो पहले वाले का मास उन्होंने दिया हुआ है m एंड सेकेंड वाले का मास दिया हुआ है n। इसके बाद में उन्होंने हमें दो चीज़ और दे दी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है आगे से कि u इक्वल टू m अपॉन x है और v इक्वल टू n अपॉन y है। ये उन्होंने इफ करके दिया हुआ है, लेट सपोज आप कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा बोला है कि इतनी सारी चीज़ें ये गिवन है तो ऑप्शन जो हम दे रहे हैं आपको उसमें से कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया u इक्वल टू 4v, बी ऑप्शन है u इक्वल टू 2v, सी ऑप्शन है v इक्वल टू u एंड डी ऑप्शन है v इक्वल टू 4u। अब बात आती है सबसे पहले यहाँ पे इसको क्वेश्चंस की, जरा हम बात करते हैं तो देखने में लगता है ये तो फिजिक्स का क्वेश्चंस है, मैथ्स का क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ्स में मास आया है तो क्या करें क्या चीज़ नहीं करें। तो मैं एक बार लाइव क्लासेस में भी बात करूँगा कि शायद आप लोग को ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बन सकता है या हम इसको कह सकते हैं कि ईजी है या फिर ये मैथ्स का क्वेश्चन है या फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो भाई सी सेट में आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, इसमें कुछ करने नहीं है, इसमें आप कुछ भी मत समझिए फिजिक्स का है या कुछ भी है। आपको ये इक्वेशन फुलफिल करनी है, कौन सी इक्वेशन फॉलो हो सकती है ये आपको एक रिलेशंस में देखना है, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसके लिए हालांकि ये ज़रूर है कि थोड़े से आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। चीज़ें पता होना चाहिए कि मतलब ये है कि क्यूब जो होता है क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको बेसिक्स चीज़ें बस पता होनी चाहिए, है ना। हम मैथ्स के ही कॉन्सेप्ट से इसको करेंगे, कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि ये इसकी एक ए साइड है तो इसकी सभी साइड्स ए सेंटीमीटर हो सकती है, मैं ए सेंटीमीटर मानूँ या ए मीटर मानूँ, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये देखिए इसका क्यूब को हिंदी में, ये क्यूब पर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन, और क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन, ठीक है ना। और वॉल्यूम का मतलब हिंदी में क्या होता है, आयतन। तो ये फॉर्मूला तो देखिए 9th से 10th क्लास में हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि एक घन का आयतन क्या होता है यदि उसकी साइड्स ए सेंटीमीटर है, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं तो उन्होंने ये बोला है कि जो पी जो क्यूब है और क्यू जो क्यूब है, तो क्यू क्यूब की जो साइड है पी क्यूब से ट्वाइस है, ध्यान देना। उन्होंने क्या कहा है, यदि इसकी साइड ए सेंटीमीटर है तो इस वाले क्यूब की साइड होगी 2a सेंटीमीटर, जो भी होगा मीटर में, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि वॉल्यूम x जो दे रखा है, यदि मैं साइड a मानता हूँ तो उस अकॉर्डिंग a क्यूब मिलता है, और यहाँ पे 2a इसकी साइड से तो वॉल्यूम हमारा 2a का होल क्यूब कितना हो जाता है, 8a क्यूब। यह सुनो, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन में एक बात और दी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है आगे, ईच साइड, देखिए ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 times दैट ऑफ पी, ये तो हमने इस पे बात कर ही ली है। आगे वो ये कहते हैं एंड मास ऑफ क्यू, जो क्यू का जो मास है, जो द्रव्यमान, मास माने द्रव्यमान होता है। हालांकि हमें इस पे नहीं जाना है कि मास द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू ग्रेविटी जो हम इस पे लगाते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी, वो उस पे नहीं जाना है। वो ये कहते हैं कि इसका जो मास है इसके मास से ट्वाइस है, तो इसका मास एम है तो इसका मास वैसे तो एन है, लेकिन अब इन्होंने कहा है ट्वाइस है तो इस हिसाब से 2m हो सकता है। बस ये चीज़ें हमें समझनी है। अब बस कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम वैल्यूज़ को रखते हैं। तो देखिए वैल्यू को रखने के बाद मैंने क्या करा,
मैं इसको ये जैसे कि दो हमें गिवन डाटा उन्होंने दे रखे हैं, एक डाटा उन्होंने ये दे रखा u इक्वल टू m और x, और एक दे रखा v इक्वल टू n अपॉन x, तो मैं m की वैल्यू रखूँ या x की वैल्यू मैं रखता हूँ, तो x की वैल्यू रखने पर यहाँ पे क्या मिलता है, a क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे भी ये y था सॉरी ना, और यहाँ पे y की वैल्यू रखता हूँ तो y की वैल्यू है 8a क्यूब। अच्छा यहाँ पे मैं n की वैल्यू भी रख देता हूँ 2m। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए बस कुछ नहीं करा, ये जो था क्वेश्चंस ने दे रखा है, आप लोग एक बार क्वेश्चंस को देखेंगे, ये उन्होंने दे रखा है, मैंने वैल्यू पुट करी है। इसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, इस a ये दोनों अलग अलग है तो मैं डिवाइडेड कर रहा हूँ, है ना, इक्वेशन वन वन बाई टू ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये डिवाइडेड होगा और राइट हैंड साइड में इस तरह से डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये ऊपर रहेगा उसके नीचे ये रहेगा, कुल मिला के ये ऐसा बन जाएगा। तो u अपॉन v, ये पहले देखिए मैं बता देता हूँ ये ऐसा क्यों आया, पहले डिवाइड इधर का भी होगा तो ये इस तरह से होता है, लेकिन फिर ये तो मैं बता चुका हूँ या फिर आपको पता होगा कि दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में डिवाइड होता है तो उसको मल्टीप्लाई लगा के सामने वाली चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है या पलट जाती है। तो ये ए क्यू से ए क्यू कट गया, m से m कट गया और ये यहाँ पे 4 आ रहा है, तो u अपॉन v इक्वल टू 4 है, तो हमारा रिलेशन क्या बन सकता है, u इक्वल टू 4b, यही रिलेशन आ सकता है, कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बस हम थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे। तो ये किस ऑप्शंस में, ये है ऑप्शन डी में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो समझ में आया हमने इसको क्या किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा समझना था, सॉरी ये 4u है, u इक्वल टू 4b, u इक्वल टू 4b, मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ ये बनेगा। देखिए मैं आंसर तो मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ लेकिन यहाँ पे मैं गलत टिक लगा रहा हूँ, u इक्वल टू 4b आएगा, ये तो b इक्वल टू 4u है। ओके तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 39 जो है एवरेज पे है, और यहाँ हम इसको समझ लेते हैं, प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न, ये दो तो हमेशा एग्जाम में आते ही हैं, सी सेट के चाहे MPSC हो UPSC हो, इनसे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते ही है। तो एवरेज का तो पहले भी बन चुका था, अब ये प्रॉब्लम ऑन एज का है, लेकिन प्रॉब्लम ऑन एज बहुत सारे डिपेंड करते हैं, कुछ रेशियो पे होते हैं, ठीक है, कुछ एवरेज पे होते हैं, तो ये एवरेज पर हो गया। तो क्वेश्चन ये कहता है, द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, हिंदी में बात करूँ तो वह कहता है एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु कुल है, मतलब औसत आयु 20 है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं, तो एक टीचर टी और स्टूडेंट जो है उनकी एज, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, देखिए उन्होंने टीचर के साथ में 3 स्टूडेंट, तो मैंने एक इक्वेशन बनाई है और इनका एवरेज 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका एज 80। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ तक की उन्होंने बात कही थी, ये एक टीचर और 3 स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे 3 स्टूडेंट को 3x ही क्यों ले लिया, ये आगे कहानी क्लियर कर रही है। वे कहते हैं कि हर जो आगे उन्होंने कहा है कि इफ़ ऑल द 3 स्टूडेंट आर द सेम एज, तो देखिए पहले वाले स्टूडेंट की भी एज x होगी, दूसरे वाले की भी x होगी, तीसरे वाले की भी x होगी, ये आगे क्लियर बोल रहे हैं वो। तो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बना दी, टी प्लस 3x इक्वल टू 20, लेकिन अब टोटल एज बतानी है, तो 1 और 3 4 लोग का कुल एज कितना होगा 80। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। आगे ये कहते हैं इफ़ एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट, छात्र और शिक्षक की आयु का अंतर 20 है, तो देखिए एक छात्र की आयु का अंतर है ना, एक टीचर से एक स्टूडेंट का डिफरेंस एज का वो 20 है, ये क्वेश्चन 2 है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये तो सबको आता है, तो एलिमिनेशन मेथड से जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको पता है टी प्लस 3x है, और फाइनली उन्होंने पूछा क्या है हमसे, वो ये कहता है टीचर की एज कितना होगा। तो देखिए ये एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, हमें टी फाइंड आउट करना है और एक्स को काटना है, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पे भी 3 होगा और यहाँ पे भी 3 होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, टी और 3t 40 होगा, और यहाँ पे 80 और ये 60 दोनों मिला के 140, टी की एज आ जाएगी आपकी 35, ये इसका आंसर्स होगा, ठीक है।
तो एक और तरीका था इसको करने का, बिना एलिमिनेशन मेथड से भी आपको जाना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए उन्होंने एक और मेथड से यदि जाते हैं तो उन्होंने ये कह रखा था कि टीचर की एज, हम देखिए हमने माना लेट एज ऑफ स्टूडेंट कितना है एक्स, यस और नो, एक्स ईयर्स एज होगा, किसका होगा, एक स्टूडेंट का होगा। वो ये कहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट की एज का डिफरेंस 20 है, इसका सेंस क्या है, एक और मतलब निकलता है, यानी कि टीचर जो एक छात्र से 20 साल बड़ा है तो एज ऑफ टीचर कितना हो जाएगा, एज ऑफ टीचर एक्स प्लस 20, कर सकते हैं ये भी, ठीक है ना, इस लाइन का मतलब वही है। अब आगे देखो उन्होंने एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है एक टीचर का, ठीक है, और तीन स्टूडेंट का, कुल होगा 80, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये इक्वेशन से x और ये 4x प्लस 20 इक्वल टू 80, तो 4x इक्वल टू 60, एक्स की वैल्यू 15, एक्स की वैल्यू 15, यदि वो पूछे कि स्टूडेंट की एज कितनी है तो 15 है, और टीचर की पूछ रहा है तो टीचर की ये है, तो एक्स प्लस 20 यहाँ पे हमें लिखा है, तो 15 प्लस 20 देन ये आपका आंसर आ जाएगा 35 ईयर्स। तो देखिए दोनों तरह से आंसर्स आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी था, कर सकते थे इसको एग्जाम में। ये एलिमिनेशन मेथड हो गया, बिना एलिमिनेशन मेथड से भी हम जा सकते थे इस पर, ठीक है, जिसमें आप सब्सट्यूट करना रहे वैल्यू को, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पर 40 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका, मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पर डिपेंड है। तो एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार बना लीजिए। और ये कब इंपॉर्टेंट होता है, जब हम परसेंटेज को क्लियर करते हैं, परसेंटेज क्लियर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता है, लेकिन आ भी सकता है कंसेप्चुअली आप जाओ तो, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे टॉपिक है इनको पढ़ना ही होता है। क्वेश्चन ने दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर दे दिया है, बताइए। वो ये कहता है एक पर्सन ने एक कार को बेच दिया है, कितने रुपए में बेचा, सेल कर दिया है, सेलिंग प्राइस उसकी दी हुई है 3 लाख, अच्छा साथ में लॉस हुआ है उसको, लॉस परसेंट हुआ है। देखिए लॉस परसेंट और लॉस में बहुत डिफरेंस है, 20% का लॉस हुआ है। साथ में वो कहते हैं कि भैया उसका सीपी कितना था, तो बहुत सारे लोग को लॉस परसेंट, देखिए ये थोड़ा टॉपिक पढ़ा होगा तो सबको क्लियर होता है कि लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस क्या होता है ना। तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस का सीधा सा मतलब ये है कि सीपी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यही है, एसपी इनटू 100 अपॉन में लॉस कितना हुआ 20 यानी 80, आप इसके कैलकुलेशंस कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है मैं बता देता हूँ कि जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, सपोज करिए एक्स होगी, इस एक्स को आपने 20% लॉस पर बेचा, माने कि इस एक्स का 80% पर बेच रहे हो आप, और जिस पर बेच रहे हो वो आपको ये प्राइस मिली, तो ये आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए 80% होता है क्या है, 4/5 होता है, जो उधर जाके क्या हो जाएगा, या तो आप यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये हुआ 4/5, ठीक है ना। तो 4/5 से आप इसको सॉल्यूशन ले सकते हो, कितना हो जाएगा भाई, ये 4 से इसको काट देगा, कितनी बार काटेगा ये, ये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस 3,75,000 रुपये था और उसको आपने बेच दिया 3 लाख रुपए में 20% के सेलिंग पर, तो आपको उसका सीपी निकालना था। और ये ऑप्शंस में होगा आपके पास, मैं चेक कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, कोई इतना यूनिक नहीं था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बतानी होती है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पता ही होगा क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है ना। हालांकि एक बात और है कि डिस्काउंट परसेंट पे भी आता है, डिस्काउंट पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डिस्काउंट वाले दिए ही नहीं हैं इन्होंने, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आपको समझ में आया होगा। 48 क्या कहता है ज़रा देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन यहाँ पे आपका रीजनिंग का देखने के लिए मिलता है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो ये कहता है
कि जी एच आई इक्वल टू है 1578। आगे उन्होंने दे रखा है डी ई एफ इक्वल टू है 912। तो ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने 492, बी ऑप्शन दे रखा है 462, सी ऑप्शन दे रखा है 262 एंड डी ऑप्शन दे रखा है 246। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और क्वेश्चन ये है, रीजनिंग का क्वेश्चन है किस, अच्छा टॉपिक क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है ना, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग पे ये आता है जिसमें नंबर्स अरेंजिंग पर जो होता है, सिक्वेंस पर जो अल्फाबेट हमारे होते हैं, लेटर्स जो होते हैं उस पर बेस्ड है। तो मुझे लगता है शायद ये आप लोग से बन सकता है, लाइव क्लासेस में बात कर रहा हूँ मैं, चलिए नहीं भी बनता है तो फिर हम देखते हैं। ये नंबर बेस्ड लग रहा है तो सबसे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए जी एच आई कहाँ पे होता है। तो जरा आप है ना लेटर्स, मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया हुआ है, एक बार आप देखना, शायद नहीं पढ़ाया हो तो उस पर टॉपिक लेंगे, बहुत बढ़िया ट्रिक रहता है इसका, लेकिन फिलहाल हम शॉर्टकट में देख रहे हैं। तो जी एच आई इनके माँ, आप नंबर देखिए, जब आप वन ए को वन मानते हैं, बी को टू मानते हैं, सी को थ्री मानते हैं, तो जी एच आई कहाँ पे आता है, ये सेवन पे होता है, ये एट पे होता है, ये नाइन पे होता है, यस और नो। तो इन तीनों को मिला के क्या हो गया, 789, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया 1578। इसका मतलब है कि ये इसको मल्टीप्लाई जब टू से कर रहे हैं तो 1578 हमें आ जाता है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो डी एफ का मतलब भी देखिए क्या होता है, डी एफ आपको पता होगा कि डी एफ में क्या होता है, डी ई एफ, ये डी फोर चार पे होता है, ई फोर फाइव पे और एफ होता है सिक्स पे। तो 456 का मल्टीप्लाई आप टू पे करेंगे तो आपको ये कहानी मिल जाएगी 912। ठीक है ना, तो 912 हमारा उस बेस पे आया। अब ए बी सी का निकालना है तो सबको ही पता होगा 123 मल्टीप्लाई टू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 246। तो 246 मतलब ये आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यूपीएससी ने ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत टफ भी रखे होंगे, बहुत ईजी भी रखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके जरा एक बार पैसेज आप लोग पढ़ते हो तो पैसेज पढ़ के देखना, पैसेज में आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, वो तो बन ही जाएंगे, है ना, 10 से 12, बाकी हमें मेहनत करनी 12-15-20 क्वेश्चन और करनी है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो 2 महीने सफिशेंट है सी सेट के लिए, और पूरा जो फोकस करना है वो आप जी एस पे ज़्यादा करें सही होगा। यूपीएससी के हिसाब से, एमपीपीएससी के हिसाब से क्या होता है, क्वेश्चन तो हो सकते हैं यही हो, लेकिन एमपीपीएससी में फॉरेस्ट के लिए जाते हो तो आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको तो करीब जितने 100 हो सकते हैं तो उतने ही करिए। हालांकि एमपीपीएससी का जो पेपर होता है, जो सेकंड पेपर होता है, उसमें टाइम कम पड़ता है, ठीक है ना, उसमें ये देखा गया है उसमें टाइम कम पड़ता है क्योंकि पैसेज टाइम खा जाते हैं वहाँ पे, तो 2 घंटे वहाँ पे जो कम पड़ते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। और 49 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसिंग टर्म, आपको ये दिया गया है ए सी पी क्यू रेशियो बी ई एस यू प्रोपोर्शनल एम एन जी आई एट द रेट। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं हमें चार, पहला ऑप्शन दे रखा है एन पी जे एल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एन ओ जे एम, थर्ड ऑप्शन है एन पी आई एल एंड फोर्थ ऑप्शन है एन पी जे एम। चलिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, बहुत सारे लोगों से नहीं बना, देखते हैं क्या है क्वेश्चन का पैटर्न। आपको सबसे पहले ये तो पता होगा इसका साइंस इससे डिपेंड है, तो आप इन दोनों को समझिए क्या है, ये जो बता देगा वही हमें उसका उससे बता देना है क्या होने वाला है। तो देखिए हम इसको समझते हैं, एक के नीचे एक रख कर, ये बी यहाँ पे रखा, ई यहाँ पे रखा, एस यहाँ पे रखा, क्यू ये यू है ना लास्ट वाला। तो देखिए आपको क्या करना है, ए से बी कब आता है, प्लस वन चल कर आया, बी से ई कब आया, सॉरी यहाँ पे मैंने ए है, सी ए सी है ना, देखिए सी है भाई, मैंने ना वो लिख दिया था ना, ये सी है, ये सही लिखा, ए सी पी क्यू बी ई एस यू सही है। और सी से ई कब आता है, एक डी छोड़कर आता है, यानी प्लस टू कदम चलकर आया ये,
और पी से इस, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे बहुत सारे लोग को मैं बीच में ऐसा रैंडमली अचानक लेटर पूछ लूँ कि एल के पहले कौन आएगा या एल के तीन कदम बाद कौन रहेगा लेटर, तो भूल जाता है। तो मैं बता देता हूँ, पी क्यू आर एस टी यू, तो पी के बाद एस कब है? देखिए ये वन था, ये टू था, और ये तीन कदम बाद में प्लस थ्री। और क्यू से यू कब है? क्यू से यू एक दो तीन चार। तो बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे आप क्या करना है आपको। जो यहाँ पे ए है उसके बाद वाला जो लेटर है वो एक छोड़कर है, ये दो छोड़कर है, तीन छोड़ के चार छोड़ के, तो हमें इसका मतलब बताना है। मुझे लगता है शायद आप आंसर पे आ गए होंगे। एम का क्या होगा? यहाँ पे पहला लेटर एन होगा, है ना। अब एन के लिए दो लेटर बाद जाना है तो क्या होगा? पी होगा। और जी के लिए क्या होगा? जे होगा ना। क्या होगा? जे होगा ना, आई थोड़ी ना होगा भाई। हमने यहाँ पे प्लस वन किया, प्लस टू किया, प्लस थ्री किया। और आई के लिए क्या होगा? तो जे, ये यहाँ पे आई के लिए क्या आएगा? फोर्थ पे जाना है ना, फोर्थ प्लस पे। तो ये होगा कौन सा होगा? एन पी जे एम। देखिए क्या होता है कि मेरे को लेट आप समझ नहीं पा रहे थे इतना जल्दी इसको बना नहीं, लेकिन मैंने गलत बनाया क्या वहाँ पे? सही तो बना भाई, हमें आई से लेके एम पे जाना फोर। ये वन प्लस, ये टू प्लस नेक्स्ट, ये थ्री प्लस नेक्स्ट, ये फोर प्लस नेक्स्ट, तो फोर मतलब वन टू थ्री फोर, ये इसका आंसर होगा। तो क्या आंसर है ऑप्शन में हमारे पास में क्या होगा? एन पी जैम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, और अब जाके वापस से मैथ्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, मैथ्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। और बात करूँ ये टॉपिक इस टॉपिक का है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉप का टॉपिक है, मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घातांक एवं करणी। बहुत तेजी टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और उन्होंने हमसे बस ये पूछा है, हमको चार दे रखे हैं, और ये पूछा कौन सा लार्जेस्ट है। तो एक ये दे रखा है 1/2 की पावर -6, ये ए है। बी दे रखा है उन्होंने 1/4 की पावर -3, और सी दे रखा है 1/3 की पावर -4, एंड डी दे रखा है 1/6 की पावर -2। पूछा है इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो होगा उसी पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी पता हो, ये बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 1/2 की पावर यदि m होती है तो या तो हम 1 पे भी m लगा देते, 2 पे भी m लगा देते, लेकिन 1 पे m लगाने का कोई सेंस नहीं रहता, ये 1/2 m ही कहलाता है। होल ये पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि 1/2 की पावर जैसे -1 है, तो किसी भी चीज़ की पावर -1 होना, यानी कि पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि 5 की पावर -1 है, ये -1 है, 5 की पावर -1 है, तो जब भी माइनस में पावर होती है तो हम कभी भी इसको जब लिख कर आते हैं कि स्टैंडर्ड तरीका होता है, तो नेगेटिव पावर शो नहीं करते हैं ना, तो उसको हम पॉजिटिव पावर कैसे शो करेंगे कि 1 के अपॉन में ले आएंगे, और ये पावर 1 का कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे 2 होता तो ये 2 हो जाता। ठीक है, इस तरह से पावर का सॉल्यूशन, और फिर आगे इसको आप 25 कर दीजिए। अब लेकिन कोई चीज़ इस तरह से लिखी हुई है कि 1/2 की पावर -2, तो इसका मतलब क्या है कि 1 पे भी पावर होगी -2, 2 पे क्या टाइम हो गया क्या, 1 पे भी पावर -2 होगी और 2 पे भी पावर -2 होगी, तो यानी 1 का तो कोई सेंस नहीं, लेकिन 2 पे माइनस पावर 2 हो गई है। ठीक है ना, लेकिन क्या कहते हैं इसका तरीका, एक और मैं बताता हूँ, इस पूरे को आप 1 के अपॉन में जब लेके आ जाएंगे तो पूरी पावर आपकी 2 हो जाती है, मतलब कि जो भी पावर होती है उसको 1 के अपॉन में लेके आते हैं तो पावर आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो जैसे कि मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 1/1/2 की पावर 6 हो जाएगा, और फिर ये दो आपके जो है डिवाइड के फॉर्म है, इसमें 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के ये 6 इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, तो 1/6 का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन 2 की पावर 6 होता है 64। सिमिलर ये 64 बनेगा, 4 की पावर 3 ये भी 64 बनेगा, 3 की पावर 4 ये 81 बनेगा, और 6 की पावर 2 ये 36 बनेगा। पूछा था सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये सारे होल नंबर्स में वैल्यू आ रही है, इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें दिख रही है 81, जो किसका है? सी का है। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं 51, और 51 में उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट
सच दैट थ्री वन बाय टू एक ये दे रखा है एंड एट थ्री बाय फोर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स, ये दोनों मल्टीपल हैं एक्स के, तो आपको बताना है कि पूर्णांक गणज हो तो एक्स की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। हिंदी में बात की गई है अधिकतम लंबाई एक्स की क्या होगी जिससे कि ये और ये एक्स के पूर्णांक गुणज हो, मतलब पूर्णांक गुणज मतलब ये इसके पूर्ण मल्टीपल में आते हो। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास में इस तरह से वन वन बाई टू, दूसरा ऑप्शन है वन वन बाई थ्री, तीसरा ऑप्शन है वन वन बाई फोर एंड लास्ट ऑप्शन है वन थ्री बाई फोर। चलिए क्वेश्चंस ये है और मैं इसमें बात कर रहा था कि इसमें ग्रेटेस्ट लेंथ को हमें बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ्स का किस टॉपिक का क्वेश्चन है सर, यदि उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम लेंथ बताई है तो मैं टॉपिक का नाम बता दूं यहाँ पे, ये टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएम और पूछा ये गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट लेंथ मैक्सिमम लेंथ ये, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा एलसीएम और एचसीएफ भी पता है बहुत शॉर्टकट ट्रिक में ऐसा है कि आप है ना बिना पेन से भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, बिना पेन से भी निकाल सकते हो। शायद वैदिक मैथ्स में मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी लेकिन इस पर भी कभी बात हम करेंगे कि सर कम से कम समय में तीन से चार संख्याओं का मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं, देखेंगे कभी हम उसको। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इसको है ना देखिए हम सॉल्व करके लाते हैं तो ये क्या होगा आपका सेवन बाई टू और ये होगा आपका थर्टी फाइव बाई फोर, यस। और हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एस सी एफ ही निकालना है क्योंकि ग्रेटेस्ट लेंथ यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की गई है। तो देखिए अब ये दोनों फ्रैक्शन में, पहले तो अब ये वर्ड्स है एस सी एफ क्या है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि एस सी एफ के लिए अलग से कभी क्लास करेंगे एलसीएम एस सी एफ के लिए। एस सी एफ क्या होता है जैसे कि किसी ने कहा 16 और सब हमें बताइए आप 20 का एस सी एफ क्या होगा, तो इनमें मैक्सिमम कॉमन क्या है, मैक्सिमम कॉमन है 4, तो 4 इसका एस सी एफ होगा। अब मुझे डायरेक्ट मैंने बता दिया आप लोग कैसे करेंगे, दो मेथड होता है, एक तो डिवाइड वाला मेथड होता है एक मल्टीपल, तो 16 के फैक्टर्स कर लिए करिए आप तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 20 का फैक्टर करिए तो 2 इंटू 2 इंटू 5, एक कॉमन एक कॉमन, मैक्सिमम कॉमन 2 इंटू 2 यानी 4, इस तरह से एच सी एफ आया। अब हालांकि देखिए यहाँ पे ये होल नंबर था तो हमने निकाल लिया, अब ये तो फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर का एस सी एफ क्या होगा कैसे निकालेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। फ्रैक्शन नंबर का एस सी एफ का एक फार्मूला होता है, क्या कहता है वो एस सी एफ ऑफ फ्रैक्शन, ये कहता है एस सी एफ ऑफ फ्रैक्शन, ये कहता है कि जो जैसे कि इसमें जो ऊपर वाली चीज़ क्या होती है इंग्लिश में हम बात करूँ न्यूमरेटर और नीचे वाली जो चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर, यानी हिंदी में ऊपर वाली चीज़ अंश और नीचे वाली चीज़ हर, तो एस सी एफ ऑफ फ्रैक्शन ये कहता है कि एस सी एफ निकालना होगा आपको न्यूमरेटर का और नीचे रखना होगा एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम मुझे किस किस का निकालना है, एस सी एफ किसका निकालना है, 7 और 35 का, तो 7 और 35 का एस सी एफ आपका 7 ही आएगा। देख लीजिए 35 का क्या होता है 7 into 5 और 7 का क्या होता है 7 into 1, तो मैक्सिमम कॉमन 7 है तो ऊपर वालों का एस सी एफ 7 होगा। अब एलसीएम तो 2 और 4 का एलसीएम तो आपको पता ही होगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो बस यहाँ पे आप कर दीजिए और इसको आप फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 आपका शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 3/4 आएगा और 1 3/4 टी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा यहाँ पे था तो बहुत सिंपल लेकिन ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होता है उन्होंने यहाँ पे नाम में नहीं दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए शब्दों में दे रखा, तो शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।